तो ये सब बिक जाता है। जिन लोगों ने गाय भैंस लिया था तो गाय भैंस दूध भी देती है और दूध कहाँ देते हैं लोग? मार्केट में बिक जाता है। कितने रुपए लीटर दूध बिकता है? 50 रुपए लीटर गाय का, 50 रुपया लीटर जी। हाँ, और 60 रुपए लीटर भैंस का। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा चलता होगा फिर। जी ठीक है, कितना पैसा कमा लेते होंगे प्रत्येक समूह से जुड़ी हुई महिला महीने में? 10 से 15 हजार रुपया तक तो। 10 से 15 हजार रुपया, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर प्रेरणा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग बांस पार में। जी सर, बहुत अच्छा है, और भी लोगों को प्रेरित करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग। नंदनगर से जहाँ विकास समूह से कुमारी शमील एजाज जी। सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते। मैं जहाँ विकास सेवा संस्थान से हाँ। कुमारी शमील बोल रही हूँ सर। मैं 98 से समूह पे कार्य कर रही हूँ। क्या काम करवा है आपका? सर मैं समूह का निर्माण करती हूँ, पहले ब्लॉकों पे भी करती थी और शहरी क्षेत्र में डूडा के माध्यम से करती हूँ एनएलएम में। सर पहले समूह जो हम लोग काम करते थे, समूह को बहुत चीजें नहीं बता पाते थे क्योंकि सरकार उसका साथ नहीं देती थी और उनको खुद भी जागरूक नहीं होती थी। पर जब से सरकार आपकी आई, मोदी सरकार आई, सर समूह इतना जागरूक हो गया है कि अपना उत्पादन कैसे करना है, सामान को कहाँ बेचना है और वो जगह जगह सामान का बिक्री भी वो स्वयं करती रहती हैं। सामान बहुत सारे सामान ऐसे भी हैं जो देश के बाहर भी जा रहे हैं समूह के, उससे उनकी अच्छी आय हो रही है। तो जो भी समूह कार्य कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है और कोई भी सरकारी विभाग से जो भी सहायता समूहों को दी जानी चाहिए। अब समूह खुद भी बहुत जागरूक है, वो पूछती है कि हमको क्या मिलेगा, तो आवास योजना हो चाहे ऋण का भी कोई भी माध्यम है, सबसे वो जाकर के स्वयं ही काम करवा लेती हैं। पहले कोई ना कोई बिचौलिया होता था काम के लिए। आप ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? सर अभी कम से कम 10,000 महिलाएं मेरे साथ। 10,000 महिलाएं? जी सर। ये सभी लोग किसी न किसी कार्य से जुड़ी हुई है? जी सर, कार्य से जुड़ी हुई है, कार्य कर रही है। जो कुछ महिला ऐसी भी है जो आपसी लेन देन कर रही है, जो ब्याज पहले ब्याजों पे पैसा लेती थी वो समाप्त करके अपने से ही पैसा वो बैंक की तरह बांट रही है। बहुत सुंदर। इसमें सरकार से कोई आपकी अपेक्षा? सर बस यही है कि जो एनुअलम में जो पैसे हैं सर, रिवॉल्विंग फंड है, वो बहुत छोटी धनराशि है, 10,000 रुपए है। उसके बाद सीसीएल होता है सर जो बैंकर्स देते हैं, बस वही है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद कार्यक्रम में अगली लाभार्थी कजाकपुर से सवेरा सेवा संस्थान से श्रीमती वीना सानी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम वीना सानी है, सवेरा संस्थान एनजीओ से मैं अध्यक्ष हूँ। और सर अपने एनजीओ से सर शहरी आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह महिलाओं का गठन करती हूँ। क्या करते हैं आप लोग इसमें? सर इसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है, उनको तमाम जो सुविधाएं उसके बारे में बताया जाता है। और सर इसमें महिलाएं मिट्टी की ज्वेलरी और झूमर और मूछ का काम, सर अचार पापड़, तमाम तरह के काम भी करती हैं। कितने लोग हैं आपके समूह में? समूह में सर हमारी 5,000 महिलाएं हैं। और सर मार्केटिंग की थोड़ी सी शहरी क्षेत्र में सर दिक्कत होता है महिलाओं। अलग अलग लोग अलग अलग काम शुरू करेंगे, आप में से किसी ने एनपीओ का गठन किया? शहर में नहीं है सर, नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में। जी सर, ग्रामीण क्षेत्र में तो कर ही सकते हैं जी। छोटे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं जी सर, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण भी किसी ने दिया? नहीं। कौन? हाथ थोड़ा खड़ा करो ना, एक आपने लिया है, आपने भी लिया है, ऐसे ही और भी लोग लेंगे तो वह भी एक माध्यम बनेगा। यस सर। और जैसे बहुत सारी समूहों में महिलाओं ने गाय या भैंस पाला है, जी जी सर, दुग्ध समिति का गठन करके चीनिंग प्लांट लगाना और फिर उसको डेयरी तक पहुंचाने का कार्य करना, बहुत पैसा उसके माध्यम से कमा सकते हैं। आप ऐसे कोई बीसी सकी भी है? सर हमारे शहरी क्षेत्र में नहीं है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो होंगे सर। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधा दिया तो शहरी क्षेत्र में भी सर
हाँ देखिए शहर में बैंक की शाखाएं नजदीक नजदीक हैं, वहां पे बैंक भी अपना करते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमने कोरोना काल खंड में जहाँ बैंक की पहुंच से दूर था वहां पे किया गया था, लेकिन उसमें आप लोगों का तो आप लोगों की आप लोग क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं? सर यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं मिल रही हैं वो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी मिले। और आप लोग गठन करिए जरूर सरकार इस पे ध्यान देगी। ठीक है बहुत सुंदर बहुत बहुत बधाई। संवाद के इस कार्यक्रम के उपरांत नारी सशक्तिकरण पर आधारित शक्ति वंदन अभियान से प्रेरित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं परिवार के हालात सुधार भी रही हैं और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही हैं नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बेटियां। डबल इंजन की सरकार ने माताओं बहनों और बेटियों की सुरक्षा उनके सम्मान और स्वावलंबन के लिए बनाया है सकारात्मक वातावरण। हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने का दिया है भरोसा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहनों के स्वावलंबन को मिली प्राथमिकता। मिशन मोड में उठाए गए कदमों ने वो कर दिखाया जो दशकों से था सिर्फ सपना। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रिकॉर्ड स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण महिलाओं के सपनों को दी नई उड़ान। बीसी सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर हुई गांवों में रहने वाली माताएं बहनें। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में मिला बैंकिंग सेवाओं को विस्तार। मिशन शक्ति ने माताओं बहनों को बनाया है अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने में सक्षम, साथ ही वह अन्य महिलाओं के लिए भी बनकर उभरी हैं प्रेरणा स्रोत। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, बीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आज वे बीसी सखी बनकर के बैंकिंग क्रॉस बॉर्डर सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही है। समूह सखियां, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, स्वास्थ्य सखी, आजीविका सखी, नमो ड्रोन सखी सहित पोषाहार निर्माण और राशन की दुकानों के संचालन में उपयोगी भूमिका निभाकर बड़ी संख्या में महिलाओं को मिला है प्रत्यक्ष रोजगार। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एसएचजी सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन से किया गया है लाभान्वित। महिला सशक्तिकरण की इसी श्रृंखला में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 3,617 स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को 54 करोड़ रुपए से अधिक का चेक वितरण एवं जनपद गोरखपुर में संचालित स्वयं सहायता समूह और एनजीओ की महिला सदस्यों का किया जा रहा है सम्मान एवं संवाद। जीवन में हर कदम पर माताओं बहनों और बेटियों के साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार। आज महिलाएं हर क्षेत्र में लिख रही हैं सफलता की नई कहानी। आधी आबादी को आर्थिक आजादी, सबल नारी प्रगति हमारी। शक्ति वंदन अभियान के इस कार्यक्रम में जिन नारी शक्ति ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से उन्हें सम्मान पत्र दे करके उन्हें अपना आशीष दें। इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे बेचना जी को जो सीआरपी कैडर की हैं। इन्होंने अपने ग्राम संगठन में क्लस्टर लेवल पर फेडरेशन के निर्माण का कार्य और इसी क्रम में समूह सखी के रूप में पूजा गौर जी को आमंत्रित करेंगे। इन्होंने संकुल स्तरीय स्तर पर बहुत अच्छा कार्य किया है
नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे नंदिनी जी को एमपीके से, शालिनी जी को बैंक सखी के रूप में, शालिनी जी बैंक सखी के रूप में, शीला सिंह जी बैंक सखी जंगल कौरिया से, संगीता जी बीसी सखी भठट से, विद्युत सखी पिपरौली से, सुनीता जी एपीओ पाली से, नमो ड्रोन दीदी बबीता जी जंगल कौड़िया से,